डर, फियर हमारे जिंदगी के ऐसे पहलू बन चुके हैं लेकिन जिनसे हम बच नहीं सकते। आपने सुना होगा डर के आगे जीत है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में डर के आगे जीत है? देखते हैं। डर हमारी जिंदगी का वो हिस्सा जिससे हम कोई बच नहीं सकते, कभी चुप नहीं सकते और हमेशा हमारे साये के साथ हमारे साथ रहता है। वो साया जो हमारे साथ एक डर की तरह बना हुआ है वो उसमें कितनी सच्चाई है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ी सी फनी है पर आपको पता चलेगा कि छोटा सा डर हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे डर होते हैं, हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। एक लड़का था, 20 या 22 साल की उम्र रही होगी उसकी कम से कम, कुछ नहीं करता था, पढ़ता लिखता था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन उसके पेरेंट्स के फादर्स बड़े परेशान थे उसको देख के कि क्या करें। तो उसके फादर ने सोचा कि कुछ नहीं करता तो मेरे साथ में उसको काम में लगा लेता। उसके फादर लकड़ियों का काम करते थे। उसने एक दिन अपने पिताजी से बात कर रहा था तो पिताजी ने कहा कि तू कुछ नहीं कर रहा है तो कम से कम मेरे साथ काम में कर, और अगर काम नहीं करेगा तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। उस लड़के को लगा कि सच में अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे पिताजी मेरे फादर जो है वो मुझे घर से निकाल देंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है तू ये ट्रक है इसको लोड करवा, और इसको लोड करवा के इस ट्रक की जो लकड़ियां हैं सारी डिलीवरी कर दिया। वो बेचारा बच्चा 20-22 साल का जो था उसे लगा कि अब काम तो करना पड़ेगा, कुछ और चारा नहीं है। तो उसने फिर अपने पिताजी के साथ काम करना शुरू किया। उसने ड्राइवर को बोला, लेबर को बोला, चलो ट्रक के अंदर सामान डालो, लकड़ियां डालो, फिर हम चलते हैं। जैसे ही वो चले आगे चल के थोड़ी देर शाम के टाइम हो गए थी ट्रक लोड करते करते, और उन्हें जाना था अपना ट्रक की डिलीवरी करने। अब उसका पहला वाक्य था, सोचो उसकी किस्मत किस तरह से साथ दे रही है, उसको डर से कैसे डरा रही है और किस तरह से उसका सामना हो रहा है डर से। उसे अपनी पहली डिलीवरी शमशान घाट में लेके आई थी जहाँ पे लकड़ियों की डिलीवरी की जाती है। वो लड़का गया लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। अब उसे लगता है पहला ही काम है गाड़ी पंचर हो गई है, अब उसमें टाइम लगता है। कुल मिला के वक्त कुछ ऐसा हो जाता है, सर्दियों का टाइम था, 8:30-9 बजे का टाइम हो जाता है जब वो शमशान घाट पहुंचते हैं। शमशान घाट में देखते हैं तो वहां पे सब ताला लगा होता है, कोई कुछ नहीं होता। अब रात का टाइम है, शमशान घाट इस वर्ड से नाम से लोगों को डर लगता है, वो भी है कभी नहीं गया था शमशान घाट तो उसे देख के डर लगा। अब उसने बोला जाके ड्राइवर को, जाओ जाके चौकीदार को बोलो दरवाजा खोले और फिर हम अंदर करेंगे। चौकीदार ने कहा सर मैं नहीं जाऊंगा मुझे डर लगता है। अब वो लड़का बेचारा परेशान हैरान, वो जाए तो कैसे जाए, डर उसे भी लगता है, और अगर नहीं गया तो उसके पिताजी उसको घर से निकाल देंगे, इस बात से डरता है। फिर उसने हिम्मत बनाई और कहा कि चलो ठीक है। उसने दरवाजा उतरा, दरवाजे से बार बार टैप किया बट कोई नहीं आया। फिर उसने सोचा कि मुझे जाना ही पड़ेगा, तो उसने शमशान घाट से दरवाजे को जो था उसको क्रॉस किया, उसको फांद कर, उसको कूद कर वो आगे पहुंचता है। तभी पीछे ड्राइवर कहता है सर आपने ये डंडा ये लोहे की रोड जो है इसको साथ ले जाओ, फिर आपके लिए सेफ रहेगा, कल को कोई आपको परेशान ना करे। तो उसे भी डर था, उसने सोचा ठीक है मेरे लिए कुछ होगा मेरे साथ। वो ले चला आगे गया, थोड़ी सी डर कुछ 4 या 5 मिनट चला था तभी एकदम से आवाज आती है हुआ करके। वो इतनी बुरी तरह से डर जाता है, वापस भागता है दरवाजा कूद के गाड़ी के अंदर बैठता है, बस गाड़ी स्टार्ट कर फटाफट चलना है, अभी चलना है अभी चलना है। वो कहता है क्या बात हो गई, तो एकदम से मैं वहां पे गया मुझे आवाज हुआ। कैन यू इमेजिन वो हुआ जो आवाज आई थी क्या था, पास में ही कहीं पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर रामायण का एक बड़ा प्रतिरूप होता है रामलीला। रामलीला के अंदर वो सीन चल रहा है जिसमें ताड़का आती है और वो आंखों से आग निकलती है, तो लोगों के वो सीन चल रहा था और उसकी जो आवाज थी वो माउंट लाउड स्पीकर की आवाज थी, उससे वो इतना डर गया भयभीत हो गया, उसके कोई भूत आ गया। अब उसके डरना लाजमी था जायज था, और दोनों बहुत हंसे। फिर उसे लगा नहीं नहीं अब तो मुझे जाना पड़ेगा दोबारा से। उसने दोबारा से वही प्रोसेस किया, दरवाजा कूद के वापस गया, जाके रहता है और जहाँ पे वो चौकीदार रहता है उसका घर में उस दरवाजे को बार बार खड़काता है। जैसे चौकीदार आता है, चौकीदार बिल्कुल नींद में होता है, उसकी आंखें थोड़ी सी बोझिल हो चुकी होती हैं। वो देखता है वो दूर से, और किस्मत देखो कहाँ फिर साथ देती है कि उस दिन लाइट नहीं होती शमशान घाट में। अब चौकीदार देखता है कि कोई आदमी बाहर खड़ा है, हाथ में लोहे का सरिया, उसके पास लोहे की रोड है, लोहे का डंडा है, डर जाता है चौकीदार। चौकीदार पीछे की तरफ हो जाता है, जैसे वो दरवाजा खोल के उसे पीछे भाग जाता है। वो लड़का फिर डर जाता है, उसे लगता है कि ये मुझसे डर क्यों रहा है, ये चौकीदार है तो उसने देखा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूत हो, और ये भूत है मेरे हाथ में लोहा है तो कहीं से डरा हो। हमें चीज पता ही जाती है कि भूत लोहे से डरते हैं, किसी को नहीं पता कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, लेकिन हमारे मन में हमारे जहन में वो डर जरूर बिठा दिया जाता है। वो लड़का और डर जाता है, उसे लगता है कि भाई आज तो कुछ होगा। फिर उसे लगता है कि अगर मैंने डिलीवरी नहीं दी तो पिताजी गुस्सा करेंगे, आज तो या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा।
वो बड़े जोर से कहता है, कौन है तू, यहाँ पे आ, बाहर निकल। अब चौकीदार डर जाता है, लगता है पता नहीं किस बात पे आया, कोई चोर तो नहीं है, मुझे मारेगा। चौकीदार और पीछे भागने लगता है। वो जैसे ही वो लड़का गुस्से में आके उस डंडे को उठाता है, तभी वहां से आवाज लगाता है ड्राइवर तक, सर सर रुक जाइए, यही चौकीदार है, इसी को ही हमें डिलीवरी करनी है। कुल मिला के बात यह है कि हर तरह से डर आपको बुरी तरह से घेर लेता है और आपको समझ भी नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो दोनों अपनी उस बात पे बहुत हंसते हैं, बहुत सोचते हैं कि क्या एक छोटी सी बात से, जिसे हम डर कहते हैं, हम कितना घबरा गए, हमने किस तरह से इस पूरे वाक्य को प्रस्तुत किया। तब फिर उस लड़के से मैंने पूछा एक दिन कि भाई अब से डर लगता है? उसने कहा नहीं, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। इंसान को सबसे बड़ा डर मौत से लगता है, और जब मैं शमशान घाट में गया तब मैंने ये सोच के गया था कि शायद पता नहीं आज मेरा किससे सामना होगा, क्या वाक्य होगा, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, अब मुझे डर नहीं लगता। हम डरते हैं, हम हर चीज से डरते हैं, हमें डराया जाता है बचपन में। जब बच्चा होता है तो माँ बाप बोलते हैं उसे, बेटा सो जा वरना हाऊ आ जाएगा, भूत आ जाएगा, कुछ ऐसा जो बच्चा डर जाता है। फिर बड़ा होता है, थोड़ा पढ़ने लिखने लगता है, फिर वो मार्क्स से डरता है, टीचर से डरता है, उसे लगता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे मार्क्स कम आएंगे, पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, फिर डर बढ़ जाता है। फिर इंसान थोड़ा बड़ा होता है, वो अपनी नौकरी के लिए जाता है तो एक एम्प्लॉई बनता है। जब वो एम्प्लॉई बनता है तो एम्प्लॉयर से डरता है, अगर मैंने काम नहीं किया तो सैलरी नहीं मिलेगी, मेरी वेजेस है मुझे वो क्लियर नहीं मिल पाएंगे, मैं अपना काम कैसे चलाऊंगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। कभी इंसान थोड़ा सा और बड़ा होता है, वो लगता है कि मैं एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बन सकता हूँ, तो बिजनेसमैन बन जाता है। जब बिजनेसमैन बनता है तो वो अपने प्रॉफिट से, अपने लॉस से इनसे डरता है। प्रॉफिट कम हुआ तो डर, लॉस हो गया, ज्यादा हो गया तो डर। डर हमारी जिंदगी का वो पहलू है जिसे हम बच नहीं सकते, लेकिन क्या डरना इतना जरूरी है? हमारी लाइफ के जीने से बड़ा भी डर है। हम अगर डरते रहेंगे तो कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? उस डर से बचने के लिए हम किस तरह से अपने आप को बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। डर से कभी नहीं जीता जा सकता अगर आप डरते रहोगे तो। डरता वही है जिसका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं होता, लेकिन डर को भी डर लगता है निडरता से। अगर हम बिना डरे, बिना किसी सोच के, बिना किसी डरने की वजह से हम अपने काम को करना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं ये डर के कि पता नहीं मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं। बहुत से लोग अपने काम के अंदर अपनी उतने एफर्ट्स नहीं लगाते, अपने उतना इनपुट नहीं डाल पाते, कि वो डरते हैं कि कहीं अगर ये चीज सक्सेस ना हो पाई, मैं अगर इस चीज में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया तो क्या होगा। हम लोग डरते हैं हमेशा अपनी सक्सेस से, लेकिन हम उस सच्चाई को भूल जाते हैं जो हमारे अंदर छिपी है, हमारे जहन में है, हमारी किस्मत हमारे साथ होती है, लेकिन हम उस डर की वजह से उसे कभी क्लियर नहीं कर पाते, उसे कभी प्रूव नहीं कर पाते। आपको डरना छोड़ना होगा, आपको निडर बनना होगा, आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा, तो तभी आप लोग अपने डर पे काबू पा सकते हैं। एक बच्चा अगर अपने डर को जीत ले तो वो एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा तो वो हमेशा अच्छे मार्क्स लेगा, और वो मार्क्स से नहीं डरेगा, वो हमेशा अपनी नॉलेज के साथ रहेगा। एक एम्प्लॉय हमेशा डर से बच सकता है अगर वो अपने काम को पूरी सहजता, संपूर्णता और अच्छे से करे, जिसके अंदर वो किसी भी तरह की कोई कमी ना लेके आए तो उसे डर नहीं लगेगा। एक बिजनेसमैन अगर अपने एम्प्लॉयज को हमेशा खुश रखेगा तो वो, याद रखना, कभी नहीं डरेगा, क्योंकि अगर उसके एम्प्लॉयज उसके साथ हैं, उसके एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉय लॉयल हैं, तो हमेशा वो प्रॉफिट में रहेगा, लॉस कभी नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। आप याद रखना, डरना जरूरी है, लेकिन डर को निडरता से ही जीता जा सकता है, और डर के आगे हमेशा आपकी जीत होगी। और आइए आपको सोचना है कि आप डर पे जीत पाना चाहते हैं या अपने डर के साथ रहकर अपनी जिंदगी को खराब करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। धन्यवाद।